बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ मोहम्मद तारिक और आज हम बात करेंगे कि अमीर होने के लिए क्या हिकमत अमली जो है वो अपनानी चाहिए। देखें, हर इंसान जो है वो चाहता है कि मैं अमीर हो जाऊँ, और दुनिया का जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर दुनिया की ज़रूरत है तो वो 99% जो है वो पैसों की ज़रूरत है। दुनिया के सारे मसाइल जो है वो 99% जो है वो पैसों से हल होते हैं। तो पैसों के लिए ज़ाहरी बात है इंसान को स्ट्रगल करनी पड़ती है, मगर उसके लिए कुछ रूल अपनाने पड़ते हैं। उन रूल्स के ऊपर अगर हम चलते हैं तो कामयाब होते हैं, अगर हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो ज़ाहरी बात है फिर हम कामयाब जो है वो नहीं हो सकते, उसमें हमारे चांसेस नहीं होते कामयाब होने के। देखें, इंसान की हिकमत अमली ही उसको जो है वो अमीर बनाती है। अब मैं एक काम करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं काम करता हूँ जी, वीडियो इस वक्त जैसे शूट कर रहा हूँ, तो अगर मेरा फोकस जो है वो 100% इसके अंदर होगा तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा। अगर मेरा 100% फोकस इसके ऊपर नहीं है तो ज़ाहरी बात है मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मेरा 5%, 10% या 20% जो है यहाँ पे फोकस है, 20% कहीं और है, 30% कहीं और है, तो ये सब मिला के 100% तो बनता है, मगर एक जगह पे हमारा प्रॉपर फोकस नहीं है तो ज़ाहरी बात है हम जितनी मर्जी स्ट्रगल कर लें तो हम कामयाब नहीं हो सकते। अब जैसे कि रियल एस्टेट का बिजनेस है, अब रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हम सारा दिन बैठ के जो है वो अगर बातें करते रहें, हम लोगों को अप्रोच ही नहीं करें, हम लोग जितने भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ जो है वो रिलेशन ही बिल्ड नहीं करें, कॉल जो है उनको नहीं जन करें, नए कस्टमर जो है उनको हम कॉल नहीं करें, सही से जो है वो रिप्लाई ना कर सकें, और इसी तरह ही हम रोज़ रोज़ नई चीज़ें जो है, नई डेवलपमेंट वो ना दिखाएं। और इसी तरह ही जो है अगर हम बात करेंगे जी बहरिया टाउन कराची के अंदर जो है, अगर हमारी टोटल जितनी भी कम्युनिटी है उसके ऊपर हमारा फोकस ही ना हो तो ज़ाहरी बात है हम उसके ऊपर 100% फोकस नहीं कर रहे, तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही मिलना। मार्केट जो है किसी भी चीज़ की डाउन होती है, मगर हमेशा जो है डाउन नहीं रहती, उसके ऊपर हमें हार्ड वर्क करना होता है। जब मार्केट डाउन होती है उस वक्त ही जो है हमने मार्केट के अंदर रहते हुए अपना एक काम जो है उसको प्रमोट भी करना होता है, उसके अंदर रहते हुए हमने काम करना होता है। अब आज जो है अगर हम बात करें कि फोकस की, तो अगर मैं आज जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, कल जो है वो जाके जो है वो जॉब कर लेता हूँ, कोई और काम कर लेता हूँ, तो ज़ाहरी बात है मेरा फोकस जो है वो टोटल इस चीज़ से हट गया। जब मेरा फोकस हट गया तो मेरा रिजल्ट जो है इस चीज़ में मुकम्मल ज़ीरो होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान के ऊपर जो है वो टाइम अप डाउन होता है, उसको ऊपर उड़ाने के लिए, उसको ऊपर लेके जाने के लिए कि वो सारा एक सिस्टम जो है इसको समझे, तो फिर जो जाके ये एक कामयाबी की जो है वो सीढ़ी चढ़ सके। देखिए, उसके बाद आप जब भी कामयाब बनने के लिए आपको टीम की ज़रूरत होती है, टीम के अंदर हमेशा उन लोगों को जो है वो चूज़ करें जो हार्ड वर्कर हों, जो आपको आगे से जो है वो ये नहीं कहें ये ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, आपने टीम के अंदर जो है इस तरह के लोगों की जो है आपने उनके साथ ऐसा रवैया रखना है कि वो आपकी हर आवाज़ पे लबैक कहें। तो अगर इस तरह की अगर आपने टीम बना ली तब भी आप कामयाब हैं। और हमेशा जो है आपने काम खुद करके दिखाना है, जब आप खुद काम करेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा तो सब जो है वो इस चीज़ पे फोकस भी करेंगे, फिर जब उनको रिजल्ट मिलना शुरू होगा उनको इस काम में मज़ा आएगा, आप फिर ही जाके पूरी की पूरी टीम जो है पूरी कंपनी ग्रो कर सकती है। हमेशा बिना टीम के इंसान जो है वो कामयाब नहीं होता, और टीम बनाने के लिए मुख्तलिफ जो है वो रूल्स अपनाने पड़ते हैं, उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर कामयाब हो जाएंगे। तो जो कि आज हमारा टॉपिक है कि हर इंसान जो है ना वो अमीर बनना चाहता है, अमीर बनना तो चाहता है मगर उसके लिए जो एफर्ट दरकार होती है वो नहीं करता। आने वाली नस्लों के लिए अगर आप बेहतरी करना चाहते हैं तो ज़ाहरी बात है उसके ऊपर फोकस रखें और चलते रहें, मुसलसल चलते चलते जो है वो मंजिल को पहुंच जाएंगे। सिर्फ डायरेक्शन आपने सीधी रखनी है, अगर डायरेक्शन सीधी रही तो
तो चलते चलते मंजिल को पहुंच जाएंगे। अगर आपने डायरेक्शन जो है कभी इस तरह मतलब रखी, तो फिर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, उसका लुबे लुबाब यही है कि आपने किसी काम के ऊपर भी अगर 100% तवज्जो दी, तो आप कामयाब भी हो जाएंगे और 100% उससे इनकम भी जनरेट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।